भारत के शहर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद एक ऐसी जगह है जो आपको हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन दोनों से रूबरू कराती है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स ले लीजिए, यहाँ का खाना ले लीजिए, यहाँ की मॉडर्न सिटी ले लीजिए या यहाँ पर पुराने एरे की सारी हिस्ट्री ले लीजिए, सब कुछ आपको हैदराबाद में मिलेगा। और हैदराबाद भारत की स्टेट तेलंगाना की सबसे बड़ी सिटी के साथ साथ तेलंगाना की कैपिटल भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज पकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हैदराबाद की टॉप प्लेसेस टू विजिट। जी हाँ, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद की सबसे बढ़िया घूमने की जगह कौन कौन सी है, जैसे कि मेरे पीछे उनमें से एक है चार मीनार। ऐसी सारी जगह हैदराबाद में घूमने वाली, प्लस उन जगहों की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो जगह कौन सी है, उनकी खास बात क्या है, वो कब से कब तक खुली होती है, वहाँ जाने की एंट्री फीस और टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद दबा सकते हैं हम घंटे का निशान। नंबर एक, चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद का सिटी सेंटर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। चार मीनार हैदराबाद की सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली अट्रैक्शन है, जिसको बनाया था 1591 में तकरीबन 400 साल पहले कली कुतुब शाह। और 400 साल से इस जगह की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे भारतवर्ष को एक्साइट करती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। चार मीनार की जगह और चार मीनार के आसपास की मार्केट सबसे बढ़िया जगह है हैदराबाद में घूमने वाली। वैसे तो इस चार मीनार की काफी सारी स्टोरीज मशहूर है, जिसमें से सबसे पहली एक है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि चार मीनार से एक सीक्रेट टनल जा रहा है जो सीधा ज्वाइन करता है गोलकुंडा फोर्ट को। इसलिए जब भी हैदराबाद हो तो ये जगह तो मिस बिल्कुल नहीं करनी। 400 साल पुरानी हैदराबाद की ये इमारत पूरे हैदराबाद की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगहों में से एक है। चार मीनार हैदराबाद की वो जगह है जो कि बनाई गई है इस्लामिक स्टाइल में, जिसके सबसे ऊपरी माले पे एक मस्जिद भी स्थित है। चार मीनार में कुल चार फ्लोर हैं, जिसमें से एक ही फ्लोर टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। इस मॉन्यूमेंट को बनवाया था कली कुतुब शाह जी ने 1591 में, और यही जगह हैदराबाद की ग्लोरी की गाथा गाता है। चार मीनार के नॉर्थ की तरफ आपको चार दरवाजे खड़े मिलेंगे, जिनका नाम है चार कमान, और इसी के बगल में आपको मिलेगी हैदराबाद की दूसरी फेमस अट्रैक्शन, जिसका नाम है मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद और हैदराबाद का चार मीनार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चार मीनार की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक की, और इस जगह की एंट्री फीस है ₹20 इंडियंस के लिए और ₹200 फॉरनर्स के लिए। इस जगह की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप पॉज करके देख सकते हैं, और यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप के लिंक पे मिलेगी, आप वहाँ जाके इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। नंबर दो, गोलकोंडा फोर्ट। तो गाइज हमारी अगली जगह है ये जगह वो है जहाँ से इंडिया का सबसे खूबसूरत हीरा निकला था, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोहिनूर को ढूंढा गया था गोलकोंडा फोर्ट में। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद की एक और छुपी हुई टॉप अट्रैक्शन, जहाँ से आपको पूरी हैदराबाद सिटी अपनी आंखों के सामने मिलेगी। कुतुब एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट, जहाँ पर 5 लेवल की एंट्री बनाई गई थी। जी हाँ, इस फोर्ट की वॉल 5 लेवल तक है, जिसमें हर लेवल अपने अपने स्टेटस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला फर्स्ट लेवल है राजा रानियों के लिए, और उसके बाद मंत्री, फिर सिपाही, फिर सिपाहियों के नीचे वाले, ऐसे लेवल पूरी पहाड़ी पर डिवाइड करे गए हैं, और गोलकोंडा सिटी टाइप बसी हुई थी। हर शाम को इस गोलकोंडा फोर्ट में एक लेजर एंड लाइट शो भी होता है, जो कि आपको फोर्ट की पूरी हिस्ट्री बताता है, इसलिए ये फोर्ट मिस करना नहीं बनता। हैदराबाद की एक और ऐसी जगह है जहाँ से हैदराबाद की हिस्ट्री जुड़ी है, उस जगह का नाम है यहाँ का गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से एक है, जिसे 16वीं सदी में बनवाया गया था। गोलकोंडा फोर्ट, जिसे पहले गोलाकोंडा फोर्ट के नाम से जाना जाता था, और मुगल्स ने इसका नाम बदल के कर दिया था गोलकोंडा फोर्ट। कहते हैं इसी जगह पर पहले भारत की सबसे बड़ी हीरो की खान हुआ करती थी, और इन्हीं खानों में से निकले थे भारत के 2 सबसे बड़े हीरे, जिसमें सबसे पहला था दरियाए नूर और दूसरा था कोहिनूर। ये जगह आज के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन की जाती है, और कहते हैं आज भी गोलकोंडा फोर्ट से एक सुरंग जाके निकलती है चार मीनार तक। हालांकि वो सुरंग अब टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई है। जब भी आप गोलकोंडा फोर्ट जाएंगे तो यहाँ की फैसिनेटिंग हिस्ट्री और यहाँ की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन को देख के आप जरूर एक्साइटेड होंगे। गोलकोंडा फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक की, और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए ₹25 और फॉरनर्स के लिए ₹300। नंबर 3, सलार जंग म्यूजियम। हमारी अगली जगह है ये है सलार जंग म्यूजियम। भाई हैदराबाद का सबसे टॉप म्यूजियम में से एक है सलार जंग म्यूजियम। ये वो म्यूजियम है जहाँ पे आपको हैदराबाद की एक्चुअल हिस्ट्री रखी हुई मिलेगी। हैदराबाद की एक्चुअल हिस्ट्री आपको सिर्फ सलार जंग म्यूजियम में मिलेगी, जो कि बनवाया गया था सलार जंग जी के द्वारा। अब ये क्या है ये तो आपको अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। यहां पर दुनिया में एक ऐसी क्लॉक बनी है सिर्फ जिसके 2 ही पीस बने हैं, एक है इंग्लैंड के म्यूजियम में और एक है इस सलार जंग म्यूजियम में, जो हर घंटे बजती है। बाहर एक आदमी निकल के आता है और घंटा बजाता है, वो वाली क्लॉक भी आपको इसी म्यूजियम में रखी हुई मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको इस म्यूजियम में आइवरी की नकाशी, यानी कि हाथी के दांत की नकाशी का सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिलेंगे। दुनिया की सबसे छोटी चेस भी आपको यहीं पे मिलेगी, और एक मार्बल का स्कल्पचर रखा हुआ है जिसकी कॉपी आज तक कोई भी नहीं बना पाया। वो सब आपको सिर्फ मिलेगा सलार जंग म्यूजियम में। एंट्री है सिर्फ और सिर्फ ₹50 की, और मेरा सजेशन रहेगा कि अंदर जाओ तो वहाँ पे एक ट्रैवल गाइड जरूर करके जाना, वही आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। भारत के 3 सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। 10 एकड़ में फैला ये 2 मंजिला इमारत भारत के सबसे बढ़िया आर्टिफैक्ट्स को होल्ड करती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है
कि इस म्यूजियम में रखी गई सारी कलेक्शन सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा इकट्ठी की गई है, जिसका नाम था मीर यूसुफ अली खान और जिसे हम सलार जंग 3 के नाम से भी जानते थे। इस म्यूजियम में बहुत ही पुरानी और बेहतरीन पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कार्विंग और मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऐसी ऐसी कलेक्शन भी है जो कि है तकरीबन फर्स्ट सेंचुरी की। सलार जंग म्यूजियम में रखी गई सबसे बेहतरीन चीजें हैं, सबसे पहली राजा राम मोहन राय की पेंटिंग जिसका नाम है द आर्टिस्ट, औरंगजेब की तलवार, शाहजहां का डैगर, जहांगीर और टीपू सुल्तान के कपड़े। इस म्यूजियम में कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें भी हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, जैसे यहाँ का रिबेका का स्टैच्यू, द डबल स्टैच्यू ऑफ मेफिस्टोफेलिस जो कि सामने से देखने से कुछ और लगता है और शीशे में देखने से कुछ और 19वीं सदी की पहली घड़ी जो कि बनी है कम से कम 350 पार्ट से। सलार जंग म्यूजियम भारत के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है, इसलिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। सलार जंग म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट है ₹50 इंडियंस के लिए और ₹200 फॉरेनर्स के लिए। नंबर 4, चाओ महाला पैलेस। तो गाइस हमारी अगली जगह है ये हैदराबाद का फेमस चाओ महाला पैलेस। ये पैलेस बनवाया गया था 1857 से लेकर 1869 के बीच में और एक टाइम पर इस जगह को एक मेन सीट कहा जाता था। इस जगह पर आपको दो बहुत ही बड़े कोर्टयार्ड मिलेंगे, इतने मैसिव और इतने सुंदर जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और इसी के साथ एक डाइनिंग हॉल है जिसका नाम था खिलावत। चाओ महाला पैलेस एक समय पे हैदराबाद के निजाम का घर हुआ करता था और आज भी ये जगह बरकत अली खान मुकर्रम झा के नाम पर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चाओ महाला पैलेस का मतलब है चार महल, और जब भी आप चाओ महाला पैलेस देखने आएंगे यहाँ पे आपको चार बहुत ही सुंदर इमारतें देखने को मिलेंगी जो कि पुराने समय में हैदराबाद के निजाम का घर हुआ करती थी। चाओ महाला पैलेस का लेआउट और उसका आर्किटेक्चर आपको जरूर इम्प्रेस करेगा। यहाँ का आर्टवर्क, यहाँ के गुंबद, यहाँ के झूमर, यहाँ का कोर्टयार्ड और चाओ महाला पैलेस में रखी विंटेज गाड़ियाँ, ये सब चाओ महाला पैलेस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। चाओ महाला पैलेस में आपको सुंदर फाउंटेन, खूबसूरत बाग, एक क्लॉक टावर और एक काउंसिल हॉल भी देखने को मिलेगा। चाओ महाला पैलेस हैदराबाद में घूमने वाली चार सबसे बड़ी अट्रैक्शन में एक अट्रैक्शन है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। चाओ महाला पैलेस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए ₹50 और ₹200 फॉरेनर्स के लिए। नंबर 5, हुसैन सागर लेक। आज हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है हुसैन सागर लेक। भाई एशिया का सबसे बड़ा लेक है हुसैन सागर लेक जो कि है हैदराबाद में। इसे खुद इब्राहिम कली कुतुब शाह जी ने बनवाया था 1563 में। हुसैन सागर को टैंक बर्ड भी बोला जाता है और इसी लेक के बीचों बीच आपको बुद्धा जी का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा। अगर आपको बोटिंग करनी है, वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, जेट स्की करनी है, सब कुछ इस सागर लेक पे होता है और इसी के आसपास आपको यहाँ की सबसे फेमस नेकलेस रोड और लुम्बिनी गार्डन भी मिलेगा। इसलिए अगर इस जगह को हैदराबाद की सबसे बड़ी अट्रैक्शन में से एक बोला जाए तो गलत नहीं होगा। एशिया का सबसे बड़ा लेक माना जाता है हुसैन सागर लेक जो कि है हैदराबाद में। हुसैन सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि मूसी रिवर के पास बनाया गया है। ये लेक हैदराबाद की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है और यहाँ की सबसे बड़ी बात है इस लेक के चारों तरफ फैली हुई 3 किलोमीटर की रोड, जिसमें आपको हैदराबाद की और भी अट्रैक्शन दिखेंगी जैसे यहाँ का इंदिरा पार्क, संजीव वाइया पार्क और यहाँ का लुम्बिनी पार्क। हुसैन सागर लेक के आसपास आकर आपको एक सुकून और शांति का आभास जरूर होगा। हुसैन सागर लेक के बीचों बीच ही आपको खड़ा मिलेगा बुद्धा जी का एक बहुत ही बेहतरीन स्टैच्यू जो कि हुसैन सागर लेक की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। हुसैन सागर लेक पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग भी की जाती है और ये लेक टैंक बर्ड के नाम से भी मशहूर है। हुसैन सागर लेक देखने के लिए पूरे दिन खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है। नंबर 6, बुद्धा स्टैच्यू। हुसैन सागर लेक के बीचों बीच खड़ा बुद्धा स्टैच्यू जो कि हुसैन सागर लेक और हैदराबाद की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। इसी स्टैच्यू की वजह से हुसैन सागर लेक या फिर जिसे हम टैंक बर्ड कहते हैं ये जगह मशहूर हुई है। बुद्धा जी के इस स्टैच्यू को सैंक्टिफाई किया था दलाई लामा जी ने 2006 में और इस स्टैच्यू को घूमने का सबसे बेहतरीन समय होता है शाम को। आप लुम्बिनी पार्क से बोट लेकर इस बुद्धा स्टैच्यू को पास से देख सकते हैं और इनफैक्ट इस बुद्धा स्टैच्यू पे नीचे उतर के आप ये पूरा स्टैच्यू घूम सकते हैं। हुसैन सागर लेक में स्थित ये स्टैच्यू बना है एक सॉलिड ग्रेनाइट रॉक से जो कि अपनी तरीके का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। बुद्धा स्टैच्यू खुला होता है सुबह 8 बजे से शाम को 10:30 बजे तक। इसे देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप बोटिंग से यहां तक जाना चाहते हैं तो उसके 100 से लेकर ₹300 तक आपको पे करने पड़ेंगे। नंबर 7, नेकलेस रोड। गाइस हमारी अगली जगह तो और भी जबरदस्त है पूरे हैदराबाद में। ये हैदराबाद की सबसे पॉश रोड बोल सकते हैं इसको। इस जगह का नाम है नेकलेस रोड। भाई नेकलेस रोड वो रोड है जो हैदराबाद के हुसैन सागर लेक या जिसे हम टैंक बट जानते हैं उसके चारों तरफ बिछाई गई रोड है नेकलेस रोड। ये एक्चुअली पूरे हैदराबाद और ट्विन सिटी सिकंदराबाद को कनेक्ट करती है और इसी रोड पर आकर आप पूरे हुसैन सागर लेक का एक जबरदस्त व्यू ले सकते हैं। ये नेकलेस रोड इतनी बढ़िया है कि इसके एक जगह आपको मिलेगा बहुत ही सुंदर लुम्बिनी पार्क, दूसरी तरफ आपको मिलेगा एक थ्रिल सिटी जहां पर आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। इसके एक तरफ मिलेंगे आपको हैदराबाद के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, सबसे
बढ़िया पब्स एंड क्लब जहाँ का माहौल रात को बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। इसलिए हैदराबाद घूमने आ रहे हो तो मजे करो नेकलेस रोड पे, भूलना मत। नेकलेस रोड हुसैन सागर लेक या टैंक बट के चारों तरफ फैली 3 किलोमीटर लंबी एक रोड है जो कि रात को एक नेकलेस की तरह चमकती है। ये रोड हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करती है और इस रोड को अगर हैदराबाद की सबसे फेमस रोड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नेकलेस रोड के चारों तरफ आपको हैदराबाद की सबसे बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस दिखेंगी। जैसे इसकी साउथ की तरफ आपको मिलेगा एंटिया गार्डन्स और लुम्बिनी पार्क। इस रोड की ईस्ट में आपको मिलेगा यहाँ का स्नो वर्ल्ड और नॉर्थ में मिलेगी आपको यहाँ के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की थ्रिल सिटी। नेकलेस रोड के वेस्ट में आपको हैदराबाद की सबसे बढ़िया खाने पीने की जगह मिलेंगी और मिलेगा जल विहार वाटर पार्क। नेकलेस रोड घूमते घूमते ही आपको आई लव हैदराबाद का बोर्ड मिलेगा जो कि यहाँ की सबसे बड़ी पिक्चरिस्टिक लोकेशन है। नेकलेस रोड घूमने का कोई पैसा नहीं है और ये जगह 24 घंटे खुली होती है। हालांकि इसके चारों तरफ फैली अलग अलग अट्रैक्शंस की अलग अलग टाइमिंग है। नंबर 8 लुम्बिनी पार्क। गाइस ये जगह है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है लुम्बिनी पार्क। हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के बिल्कुल बगल में बसा है लुम्बिनी पार्क जिसका नाम रखा गया है नेपाल के लुम्बिनी के नाम पे। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे जन्म हुआ था लॉर्ड बुद्धा जी का। जी हाँ, बुद्ध भगवान का जहाँ जन्म हुआ था उस जगह का नाम है लुम्बिनी और उसी जगह के नाम पे लुम्बिनी पार्क का नाम रखा गया है। ये एक मॉडर्न पार्क है जिसके अंदर आपको बहुत सारे झूले वूले भी मिलेंगे बच्चों के खेलने के लिए, एक वॉकिंग ट्रैक मिलेगा और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह मिलेगी। इसी पार्क से आपको हुसैन सागर लेक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक मिलता है और इसी पार्क से आप बोट करके जा सकते हैं हुसैन सागर लेक के बीच में बसा हुआ बुद्ध जी के स्टैचू तक। इसलिए ये जगह भी हैदराबाद में घूमने में एक इम्पोर्टेंट जगह है। लुम्बिनी पार्क हैदराबाद के सबसे सुंदर पार्क में से एक है। ये वही जगह है जहाँ से आप बोट करके जाते हैं हुसैन सागर लेक के बीचों बीच बसा बुद्ध जी का स्टैचू देखने। सिर्फ 20 रुपए की एंट्री टिकट देके आप एक ऐसे पार्क में जाते हैं जहाँ पर आपको बच्चों के खेलने के लिए कई सारे झूले मिलेंगे, घूमने के लिए एक वॉकिंग ट्रैक मिलेगा और हुसैन सागर लेक का एक बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू भी आपको इसी पार्क से देखने को मिलेगा। लुम्बिनी पार्क से ही आप अलग अलग तरीके की बोट करके बुद्ध जी का स्टैचू देखने जा सकते हैं जिसमें आपको ग्रुप बोट की टिकट पड़ेंगे तकरीबन 100 रुपए के और पर्सनल मोटर बोट की टिकट पड़ेंगे 300 से 400 रुपए के। लुम्बिनी पार्क शाम के समय टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। लुम्बिनी पार्क की एंट्री है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है एडल्ट्स के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए। नंबर 9 नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हमारी अगली जगह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हैदराबाद जू के नाम से जाने जाने वाला नेहरू जूलॉजिकल पार्क घर है बहुत सारे जानवरों और बर्ड्स का। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है एशियाटिक लायन, इंडियन राइनो और यहाँ का बंगाली टाइगर। यहाँ पर आपको एक सफारी भी करने को मिलेगी जहाँ पर आप यहाँ के जानवर एलिफेंट, पाइथन, यहाँ के पैंथर्स सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको यहाँ की सी लाइफ देखने को मिलेगी जहाँ पर जो कि आपको मिलेगी यहाँ के एक्वेरियम में देखने को, जहाँ पे अलग अलग तरीके की मछलियाँ, टॉर्टोइस सब कुछ है। सुबह 8:30 से शाम को 4:30 बजे तक खुला होता है। सिर्फ 60 रुपए की टिकट एडल्ट्स के लिए और 40 रुपए की टिकट है बच्चों के लिए। 1500 से ज्यादा स्पीशीज हैं हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। हैदराबाद के मीर आलम टैंक के पास पड़ता है हैदराबाद का ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क जिसे हम हैदराबाद जू के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद का ये चिड़ियाघर तकरीबन 380 एकड़ में फैला है और इसके अंदर आपको एक जुरासिक पार्क, एक्वेरियम, टॉर्टाइज हाउस, बटरफ्लाई पार्क और काफी सारे जानवर देखने को मिलेंगे। इस पार्क को घूमने के लिए आप अंदर जाकर एक ट्रेन में भी बैठ सकते हैं जो कि आपको पूरा पार्क घुमाएगी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में अलग अलग सफारी भी आप कर सकते हैं जिस सफारी में आपको देखने को मिलेगा यहां का लायन, टाइगर और यहां का बियर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क खुला होता है सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक और यहां की एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए 60 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए। नंबर 10 रामोजी फिल्म सिटी। एक ऐसी जगह जो कि बॉलीवुड और सिनेमा लवर्स के लिए सबसे बेस्ट है वो है हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी रामोजी राव के द्वारा 1991 में स्थापित की गई थी जो कि हैदराबाद से 1 घंटे की दूरी पे पड़ती है। ये फिल्म सिटी 2500 एकड़ में फैली हुई है जिस वजह से इस फिल्म सिटी को वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। रामोजी फिल्म सिटी में आपको तकरीबन 20 फिल्मों की यूनिट और शूटिंग लोकेशन मिलेगी जिसमें आता है लंदन स्ट्रीट, हॉलीवुड सिग्नेज, जैपनीज गार्डन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, बिल्डिंग्स एंड लैंडस्केप। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद की सबसे पॉपुलर जगह है घूमने के लिए जिसको आप अलग अलग पैकेज के थ्रू घूम सकते हैं। रामोजी फिल्म सिटी के आपको ये सारे टूर करने को मिल सकते हैं जिसमें सबसे पहला टूर है उसका रामोजी स्टूडियो टूर जो कि है तकरीबन 1350 रुपए का जो सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम को 5:30 बजे खत्म होता है। दूसरा है यहाँ का रामोजी स्टार एक्सपीरियंस जो कि है तकरीबन 2500 रुपए का। इसमें आपको एक लग्जरी एसी बस में बिठाकर पूरी रामोजी फिल्म सिटी घुमाई जाती है खाने पीने के साथ। इस स्टूडियो का सबसे बड़ा टूर है यहाँ का 2-day स्टार एक्सपीरियंस टूर जो कि है तकरीबन 3700 रुपए का जिसमें आपको 2 दिन तक रामोजी फिल्म सिटी घुमाई जाती है क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि इसे घूमने में 2 दिन तक लग जाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में आप कोई भी टूर लें आपको पूरा दिन देना पड़ेगा जो कि शुरू होता है सुबह 9 बजे से और खत्म होता है शाम को 5:30 बजे। नंबर 11 बिरला मंदिर। गाइस हमारी अगली जगह है ये है हैदराबाद का बिरला मंदिर। अगर आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं और घूमते घूमते थक गए हैं और थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहते हैं तो बिरला मंदिर आपके लिए परफेक्ट जगह है। ये मंदिर डेडिकेटेड है तिरुमाला के वेंकटेश्वर भगवान को। यहाँ तक कि इनकी मूर्ति जो है वो तिरुपति बालाजी की मूर्ति का रेप्लिका बनाई गई है। ये मंदिर 1976 में बिरला
बिरला फाउंडेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। हैदराबाद के नौबत पहाड़ पे स्थित बिरला मंदिर आपको हैदराबाद की कई सारी लोकेशन से साफ दिखाई देगा और हैदराबाद का ये मंदिर देखते ही आपको मन करेगा कि इस मंदिर में एक न एक बार जरूर जाया जाए। हैदराबाद के बिरला मंदिर में पूजा होती है तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वरा की और यहाँ की मेन मूर्ति तकरीबन 11 फुट लंबी है जो कि बनी है 2000 टन के राजस्थानी मार्बल से और ये मूर्ति इतनी सुंदर है कि उसके दर्शन करके आप उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। बिरला मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12 BM बिरला साइंस म्यूजियम। बिरला मंदिर के साथ साथ आपको मिलेगा वहाँ पे BM बिरला साइंस म्यूजियम जो कि हैदराबाद की एक और बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। ये जगह एक प्लैनेटेरियम है जिसे इनॉग्रेट किया गया था 1985 में। BM बिरला प्लैनेटेरियम को बनाने में जैपनीज टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस प्लैनेटेरियम में आपको दिन भर स्काई शो देखने को मिलेंगे जिसकी थीम होती है एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, कॉस्मोस और एक्लिप्सिस। जितना ज्ञान आपको इस प्लैनेटेरियम में आके मिलेगा शायद और कहीं ना मिले। BM बिरला साइंस प्लैनेटेरियम की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की और यहाँ की एंट्री टिकट है 150 रुपए पर पर्सन की। नंबर 13 स्कॉन टेम्पल। गाइस हमारी अगली जगह है ये है हैदराबाद का स्कॉन टेम्पल। भाई हैदराबाद में सबसे सुंदर मंदिर अगर कहा जाए स्कॉन टेम्पल को तो गलत नहीं होगा। इस मंदिर में पूजा की जाती है कृष्ण जी की और राधा जी की। यहाँ पे आप राधा मदन मोहन के दर्शन कर सकते हैं, उनकी आरती के गीत सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके यहाँ दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के। हर रोज यहाँ पे पूजा आरती की जाती है लेकिन संडे को यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है जहाँ पे भक्तजन कृष्ण जी की धुन में नाचने और गाने लग जाते हैं। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं और आपको हैदराबाद में इनके दर्शन करने हैं तो आप आ सकते हैं स्कॉन टेम्पल। कृष्ण जी के भक्तों के लिए हैदराबाद में एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत पसंद आएगी और वो है हैदराबाद का स्कॉन टेम्पल। हैदराबाद का स्कॉन टेम्पल अपने सुंदर एक्टिव और स्पिरिचुअल सेंटर्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ये स्कॉन टेम्पल पड़ता है हैदराबाद के नैमपली रीजन में। इस जगह पर आपको कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रतिमाओं के दर्शन करने को मिलेंगे जिसके साथ साथ आपको यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। स्कॉन टेम्पल में हर रोज कृष्ण जी और राधा रानी जी की आरतियां गाई जाती हैं और संडे को यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे अटेंड करने दूर दूर से लोग आते हैं। स्कॉन टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 14 मक्का मस्जिद। गाइस हमारी अगली इम्पोर्टेंट जगह है ये जगह का नाम है मक्का मस्जिद। भैया अगर हैदराबाद की चार सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग की बात की जाए तो उनमें से आता है सबसे पहले चार मीनार, फिर सालार जंग म्यूजियम, उसके बाद यहाँ का लाड़ बाजार और चौथा है ये मक्का मस्जिद। तकरीबन 10,000 लोगों की कैपेसिटी है इस मस्जिद में जो यहाँ पर आके नमाज पढ़ सकते हैं और ये मस्जिद भी बनवाया गया था किले कुतुब जी की मेहरबानी। तो आज इस समय हैदराबाद का सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजियम में से है ये मक्का मस्जिद और ये भी आप चार मीनार या फिर लाड़ बाजार घूमते घूमते देख सकते हैं। मक्का मस्जिद हैदराबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मस्जिद है जिसकी बनाने की शुरुआत हुई थी 1614 में लेकिन जो खत्म हुआ 1694 में। हैदराबाद के चार मीनार के बिल्कुल बगल में पड़ता है मक्का मस्जिद जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की कैपेसिटी है। ये हैदराबाद की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है। इस मस्जिद में आने के बाद आपको कोली डायनेस्टी के ग्रैंडोर का पता चलेगा और इस मस्जिद को घूमते घूमते आप घूम सकते हैं हैदराबाद का लाड़ बाजार और यहाँ का चार मीनार मार्केट। मक्का मस्जिद की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक की और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 15 वंडरला। अगर आपको अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद हैं तो हैदराबाद का सबसे बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क है वंडरला अम्यूजमेंट पार्क। चाहे आप हो अकेले, चाहे कपल में, चाहे दोस्तों के साथ या फिर पूरी फैमिली के साथ, वंडरला एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि मस्ती और थ्रिल से भरा है। वंडरला अकेला ऐसा पार्क है हैदराबाद का जहां पर आपको अम्यूजमेंट राइड्स और वाटर स्लाइड्स दोनों मिलेंगी। यहां के वाटर सेक्शन में आपको मिलेगा यहां का वेव पूल और यहां का रेन डांस जो कि यहां के वाटर पार्क की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। ये पार्क इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत मजा आए। यहां के अम्यूजमेंट पार्क में आपको तकरीबन 43 फन एंड थ्रिलिंग राइड्स मिलेंगी जिसमें हाई थ्रिल राइड्स, वाटर राइड्स, फैमिली राइड्स और बच्चों के लिए राइड्स अलग अलग झूलने को मिलेंगी। वंडरला अम्यूजमेंट पार्क की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की और यहां पर आपकी टिकट्स का खर्चा हो सकता है एडल्ट्स के लिए 1,000 रुपए, बच्चों के लिए 800 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 750 रुपए और 85 सेंटीमीटर की हाइट से कम के बच्चों के लिए यहां की एंट्री फ्री है। नंबर 16 इनऑर्बिट मॉल। गाइस हमारी अगली जगह जो है वो कोई बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, वो है आज के जमाने का मॉडर्न मॉल। जी हाँ, अगर हैदराबाद में आप मॉन्यूमेंट्स घूम घूम के थक गए हैं, यहाँ का ऑथेंटिक खाना नहीं खाना चाहते और यहाँ का मॉडर्न खाना खाना चाहते हैं तो हैदराबाद का सबसे बढ़िया मॉल है इनऑर्बिट मॉल और उस मॉल में आपको हर तरीके का मॉडर्न खाना मिलेगा। खेलने के लिए गेम्स मिलेंगे, बोलिंग, पूल टेबल, टेबल टेनिस, देखने के लिए मूवी मिलेगी और शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मॉल में से एक है, इसलिए अगर आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है घूमने फिरने से भी तो आप इनऑर्बिट मॉल भी आ सकते हैं। हैदराबाद का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर मॉल है यहाँ का इनऑर्बिट मॉल।
हैदराबाद के माधापुर के एरिया में स्थित है इनऑर्बिट मॉल, जो कि एक मैसिव मॉल है जहां पर आपको बड़े ब्रांड के स्टोर, बड़ी बड़ी फूड चेन्स, लोकल इटरीज और गेम जोन भी मिलेंगे। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से इनऑर्बिट मॉल घूमने आ रहे हैं तो यहां पर आपको इसकी पर्सनल पार्किंग और एक बहुत ही बड़ा मूवी थिएटर भी मिलेगा। ओवरऑल इनऑर्बिट मॉल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। इनऑर्बिट मॉल की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक की और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 17, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू है जिसकी हाइट है तकरीबन 216 फुट। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के मुचिन ताल में स्थित है और ये स्टैच्यू है श्री भागवत राम अनुजन आचार्य का। राम अनुज आचार्य जी ने लोगों की इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया था और इसीलिए उनके 1000वें बर्थडे पर ये स्टैच्यू यहाँ पे बनवाया गया और उसी के बाद इस जगह को नाम दिया गया द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इस जगह की सबसे बड़ी हाइलाइट्स हैं यहाँ का डांसिंग वाटर शो, जिसमें लाइट और म्यूजिक के साथ यहाँ का डायनेमिक फाउंटेन शो भी किया जाता है। यहाँ का स्टैच्यू देखने के लिए आपको तकरीबन 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जहाँ पर आपको 36 बहुत ही सुंदर पत्थर से बने गए हाथी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर में आपको श्री राम अनुजा की टीचिंग की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है एडल्ट्स के लिए 200 रुपए और बच्चों के लिए 125 रुपए। नंबर 18, लाड़ बाजार। गाइस हमारी अगली जगह है चार मीनार मार्केट। भाई अगर आप हैदराबाद घूमने आ रहे हो चार मीनार तो घूमोगे ही और उसके साथ साथ आपको एक जगह जो बिल्कुल मिस नहीं करनी वो है यहाँ की चार मीनार की मार्केट। चार मीनार के चारों तरफ आपको एक बहुत ही रंगीन मार्केट मिलेगी जिसमें आपको दुनिया भर का सामान मिलेगा भाई। लेकिन ये मार्केट फेमस है अपने पर्ल्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, अपने टेक्सटाइल, अपने कपड़ों के काम के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट खाने पीने की अगर आप टॉकिंग है तो वो भी आपको इसी मार्केट में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर हैदराबाद घूमने आ रहे हो तो मार्केट भी बिल्कुल मिस नहीं करनी। लाड़ बाजार चार मीनार के पास पड़ने वाला सबसे बड़ा और सबसे मशहूर बाजार है। अगर आपको हैदराबाद के फेमस मोती खरीदने हैं तो आप खरीदेंगे लाड़ बाजार से। यहाँ पर आपको चूड़ियाँ, मोती और काफी सारे प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी भी खरीदने को मिलेगी। लाड़ बाजार का नाम निजाम्स और शाहीस के टाइम से बहुत ज्यादा मशहूर है। मोहम्मद कली कुतुब शाह जी ने ये मार्केट को एस्टेब्लिश किया था अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए और तभी से ये जगह शादियों की शॉपिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह बन गई पूरे हैदराबाद की। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह को पहले लॉर्ड्स बाजार के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इस जगह का नाम पड़ा लाड़ बाजार। ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में तकरीबन 14,000 दुकानें हैं और ये जगह जो कि बनवाई गई थी 16वीं सदी में। लाड़ बाजार पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। हमारी वीडियो में बताई गई सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप के लिंक पे मिलेगी, जिससे आप इन सारी जगहों का एड्रेस और एग्जैक्ट लोकेशन ले सकते हैं। तो गाइस ये थी हैदराबाद की टॉप प्लेसेस टू विजिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें एंड अगर आपका कोई सवाल रह जाता है इसके बाद भी तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करते हैं सब कुछ आपको बता पाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो आप वो सवालों से कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें या फिर हर सैटरडे को होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें, वहां आपके सवालों का जवाब दे देंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर थैंक्स बटन वीडियो के नीचे आ रहा होगा, दोनों में से कुछ भी क्लिक करें। और इसके बाद भी आप हमारे अनुज बकेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अहमद। नौशाद, कहाँ हैदराबाद में कहाँ से हो? एमएस मक्का। और हैदराबाद में सबसे बढ़िया घूमने की जगह बताओ कौन सी है? चार मीनार। चार मीनार में? और वो कैसे है वो गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा बहुत अच्छा। अच्छा, कितने साल के हो आप? मैं 14 साल। अरे वाह, और आप सब साथ में हो? हाँ। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। नेक्स्ट। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम है अनुज। दिल्ली में कहाँ थे? दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली से। चलो थैंक यू। वो शर्माता इसका ले लो।